सबसे पहले वीडियो देखने वाले सभी किसान भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार जी। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि गेहूं के सिट्टों के ऊपर जो कांग्यारी देखने को मिलती है उसके मुंडले लक्षण क्या होते हैं, उस बीमारी के आने का रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है, कैसे ये बीमारी अपने आप को ज़्यादा देर तक अपनी एक ही खेत में बनाई रखती है और कैसे इसको ठीक किया जाता है। ये वीडियो पूरी एंड तक देख लीजिए, आपको पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में हम बता देंगे। एक बात सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो भी गेहूं की फसल में मेन फंगीसाइड यूज़ होते हैं उनका क्या प्रॉपर डोजिंग रहता है पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि कहीं पर एकड़ जो 5 कनाल का है छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो वो सब में पानी की जो क्वान्टिटी है वो अलग अलग लगती है। तो इसलिए जो हम फंगीसाइड की डोज डालते हैं कि एकड़ में 200 ग्राम डालना है, 300, 250, 150 ग्राम डालना है, तो मतलब वो कितना डालेगा वो आप उस वीडियो को देख के पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक और वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने बताया कि गेहूं की फसल में मतलब जो मेन बीमारियां आने वाली है उनके रिगार्डिंग कौन कौन सा मतलब आपको लक्षण दिखाई देगा अपने खेत में, तो वो आप उस वीडियो को देख के नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं में जो कांग्यारी जो सिट्टों के ऊपर बालियों के ऊपर ये लाइट चॉकलेट कलर का या डार्क चॉकलेट कलर का आपको पाउडर दिखाई दे रहा है, इस मतलब बाली को पूरी ये फंगस डेवलप हो चुकी है यहाँ कांग्यारी की, और इस पूरा भी यहाँ पे कोई भी दाना नहीं बनेगा, पूरा ही ये ब्लैक पाउडर बन जाएगा। और साथ में जितनी भी और बालियाँ बाहर आ रही हैं जो गोपावस्था में यहाँ भी भगोला स्टार्ट हो रहा है तो उनमें भी ये चली जाएगी, अगर इनका एक भी उस बैक्टीरिया डेवलप हो के उनके पास में कॉन्टैक्ट में आ गया तो उनको भी ये सेम ही डिसीज हो जाएगा। और इसका मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये इसके आने का मेन रीज़न क्या है, आता कहाँ से है। जो किसान भाई गेहूं बोने से पहले गेहूं के सीड को ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो उनके खेत में ये बीमारी आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पिछला सीड होता है, पिछली क्रॉप का सीड अगर हम घर का ही लेकर यूज़ कर रहे हैं बीज, तो मतलब उसके साथ में ये बीमारी आ जाती है। जब हम हार्वेस्टिंग करवाते हैं, कटाई करवाते हैं कंबाइन से, तो तभी भी ये बैक्टीरिया जो हमारे सीड के अंदर दाखिल हो जाता है, चला जाता है। इसका आप देख सकते हैं, जो मैं आपको ये एक पेनिकल दिखा रहा हूँ इसमें भी ये पूरा ही मतलब साथ में इसमें लगा हुआ था और उसी बैक्टीरिया से ये और इसी मतलब बाली को भी इसने नुकसान किया है पूरा। मतलब जब ये थोड़ी देर दिन में पूरा ब्लैक चॉकलेट कलर का पाउडर बन जाएगा, इसमें कोई भी दाना डेवलप नहीं होगा और आगे ये ऐसे बीमारी जाने के चांसेस रहते हैं। इस बीमारी को भी सीड ट्रीटमेंट से 80% का कंट्रोल किया जा सकता है, 20% कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर हम इस बीमारी को 95% कंट्रोल करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए, मैं आपको पूरा मेथड बताऊँगा इसको, इस बीमारी को हम 95% कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी खेत में हमको एक दूसरा और प्लांट मिला है जिसमें हमको देखने को मिला है कि कांग्यारी का जो अटैक है इसको ऊपर भी देखने को मिला है, पूरी मतलब बाली इसमें जो ब्लैक कलर का हो चुका है चॉकलेट कलर का, और धीरे धीरे ये मतलब पूरा पाउडर ही बन जाएगा, इसमें कोई दाना डेवलप नहीं होने वाला। और जिसके पाउडर के बैक्टीरिया जो मतलब इसके कीटाणु हैं वो दूसरी अगर अच्छी तंदुरुस्त बल्ली पर जाएँ तो उस बल्ली पे भी कोई भी दाना जो अपना पूरा बन नहीं पाएगा, और ये पूरा ही अटैक उसी बल्ली के एक दाने पे नहीं आएगा, पूरे दाने को अपनी चपेट पे लेके पूरी दाने में ब्लैक पाउडर बन जाएगा। और मैं सभी किसान भाइयों को स्पष्टली ये बताना चाहता हूँ कि इसका कंट्रोल किसी भी केमिकल किसी भी जैविक स्प्रे से होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी डिसीज है मतलब जो पूरा नर्वस सिस्टम दाने का जो ख़त्म कर देती है। सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर इस बीमारी का आपके खेत में अटैक हो रहा है तो किसी केमिकल को मत यूज़ कीजिएगा, इसका अटैक रुकने वाला नहीं है। इसका सिंपल सा फार्मूला है, इस जितने आपको बूटे मिलेंगे एक एकड़ में कम से कम 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो उसको निकाल के आप एक मिट्टी के खड्डे में दबा दो इसको। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब अगर नेक्स्ट क्रॉप आने वाला है उसके बाद फिर दोबारा आपका गेहूं आने वाला है, इसके मतलब डेवलप जिंदा रहने के कारण बहुत कम बचेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फंगस है जो अपने आप को लंबा टाइम एक्टिवेट रखता है, जिंदा रखता है। अगर आपके खेत के अगल बगल में कोई भी घास है उसके अगर एक ऊपर बार चला गया तो जब इसको नेक्स्ट टाइम यही विंटर का सीजन मिलेगा, लास्ट ऑफ जनवरी फरवरी और फर्स्ट ऑफ मार्च, ये 40 दिन का टाइम इसके लिए बहुत अच्छा है डेवलप होने के लिए, उसमें ये एक्टिवेट हो जाता है और गेहूं की फसल पे अटैक करता है। गेहूं की फसल में आने वाले इस बीमारी के अटैक के चांसेस को हम 95% कम कर सकते हैं, उसके लिए आप 3-4 बातों का ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए उनको। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके खेत में ये बीमारी कभी भी नहीं आई है तो भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप जब गेहूं का हार्वेस्टिंग करवाते हैं तो कंबाइन से करवाते हैं, कंबाइन किसी और फील्ड से भी जो बीमारी का जो उसके कीटाणु है उसकी टंकी में आ सकते हैं और आपके वो जो स्टोर करेंगे बीज उसमें चले जाएंगे।
इस बीमारी की रिस्क को कम करने के लिए जब आपके मई जून का टाइम चल रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही हो, तो गेहूं का बीज जो आपने बुआई के लिए स्टोर करना है तो उसको 4 घंटे पानी में भिगो के और बाद में उसको सुखा के, बिल्कुल जब सूखा हो जाए बीज तो उसको स्टोर कर लीजिए, तो उसके बीमारी के जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, आपके चांसेस जाएंगे वो 80% तो वहाँ पर ही कवर हो जाएंगे, 20% बचेंगे। उस 20% को आपको 80% तक कैसे कंट्रोल करना है, 20% का 80% आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप सीड को सीड ट्रीटमेंट करेंगे बीजने से 2 घंटे पहले। जब आपने सीड ट्रीटमेंट कर दिया तो 20% का 20% और जो 80% आपने पहले किया तो 95% है जो आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और किसान भाइयों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखने वाले नए किसान भाई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दिया हुआ बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हर न्यू वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।